अस्सलामु अलैकुम ब्यूटीफुल व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल टेक्नोलॉजी फॉर यू। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटो एडिटिंग के बारे में। आप लोगों को मैं गाइस पहले भी एक वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं जो कि अडोब की तरफ से फोटोशॉप था पीएस, जिसमें मैंने आप लोगों को बताई थी आप अपनी पिक्चर को कैसे एडिट कर सकते हैं। अडोब की तरफ से ये गाइस हमें ऐप देखने को मिलती है जिसका नाम है लाइटरूम सीसी। तो गाइस बहुत ही कमाल ये फोटोशॉप है। आप लोगों को मैं डिटेल के साथ बताऊंगा किस तरह से आप अपनी पिक्चर को एक प्रोफेशनल लुक प्रोवाइड कर सकते हैं कि जब आप कहीं भी अपनी पिक्चर को एडिट करके पोस्ट करें तो देखने वाला गाइस सबसे पहले आपसे यही पूछे कमेंट करके कि यार मुझे पिक्चर एडिट कर दो या मुझे सॉफ्टवेयर बता दो कि जिस सॉफ्टवेयर से आपने पिक्चर को एडिट किया है। तो आप लोगों को मैं डिटेल के साथ बताऊंगा किस तरह से आप लोग अपनी पिक्चर को एडिट कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी पिक्चर को अट्रैक्टफुल बना सकते हैं कि आपकी पिक्चर वायरल हो जाए एक तरह, किस तरह से गाइस आप लोग अपनी पिक्चर को एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो आज की वीडियो गाइस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल प्ले स्टोर से जाके इसे डाउनलोड कर लेना है। लाइटर रूम सीसी इसका नाम है। जैसे ही आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे वहां पे आप लोगों ने लिखना है लाइटर रूम, आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों ने इसे डाउनलोड कर लेना है। 64 MB की गाइस ये एप्लीकेशन है। जैसे ही इसे हम डाउनलोड कर लेंगे हमने इसे ओपन करना है गाइस, तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमने अपनी पिक्चर को ऐड करना है, तो यहाँ पे जाएंगे हम नीचे कॉर्नर पे। तो यहाँ पे गाइस आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कैमरा का और पिक्चर ऐड का। हम इस पे ऐड वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारी ऑल पिक्चर लोड हो जाएंगी। अब मैं कोई भी एक पिक्चर सेलेक्ट और कर लेता हूँ। ओके जी, तो फाइनली गाइस हमने पिक्चर ऐड कर ली है। यहाँ पे आ चुका है वन फोटो ऐड सक्सेसफुली। अब हमने यहाँ पे क्लिक करना है ऑल फोटोज में और यहाँ पे गाइस मैं सेलेक्ट आउट कर लेता हूँ अपनी पिक्चर को। तो जैसे ही गाइस मैं अपनी पिक्चर को सेलेक्ट आउट कर लेता हूँ मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। नीचे वाली साइड पे अब मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे पिक्चर एडिटिंग के लिए। ये जो फर्स्ट टू ऑप्शन है ये आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे, आपको अब प्रो में मिलेंगे। उसके बाद बाकी जो ऑप्शन है वो फ्री हैं। सबसे पहला आप लोगों को देखने को मिल रहा है क्रॉपिंग का। तो यहाँ पे हमें क्रॉपिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हम अपनी पिक्चर को अपनी मर्जी से क्रॉप कर सकते हैं। हम यहाँ से साइज भी सिलेक्ट आउट कर सकते हैं। आप लोग नीचे देख रहे होंगे सबसे पहले ओरिजिनल, उसके बाद गाइस कस्टम। आप अपनी मर्जी से कोई भी साइज सेलेक्ट आउट कर सकते हैं। 1x1 का रख सकते हैं, 4x5 का, 8.5x11 का भी रख सकते हैं। मैं ओरिजिनल पे रहने दूंगा यहाँ से। उसके बाद आगे हमें एक लॉक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, स्ट्रेटन रोटेट एल मीन्स के लेफ्ट साइड पे आपने रोटेट करना है राइट पे, और आपको क्रॉपिंग के काफी ज्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट गाइज हम जिसपे बात करेंगे वो है इसका गाइज ये ऑप्शन प्रोफाइल का। प्रोफाइल में गाइज ये है कि आप लोगों को काफी ज्यादा फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं फिल्टर सेलेक्ट करके आप लोगों को चेकआउट करवा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोगों को कितने जबरदस्त फिल्टर देखने को मिल रहे हैं। आप इन्हें एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से कम ज्यादा फिल्टर्स को। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे काफी ज्यादा खूबसूरत देखने को मिल रहे हैं फिल्टर्स। यहाँ से गाइज आप लोग अपनी मर्जी के सेलेक्ट आउट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो गाइज फीचर है ऑटो, उस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी हम आ जाते हैं लाइट। क्योंकि गाइज मैं आप लोगों को मैन्युअली बता रहा हूँ किस तरह आप लोग अपनी फोटो को ऐड कर सकते हैं। ऑटो कर देंगे तो वो उसकी मर्जी से हो जाएगा, ऑटो सब एडिटिंग कर देगा अपनी मर्जी से। अगर आप लोगों ने गाइज अपनी मर्जी से एडिटिंग करनी है तो गाइज मैन्युअली करें। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा जब भी आप लोग फोटोग्राफी कर रहे हो उसे मैन्युअली किया करें, क्योंकि अगर आप लोगों को पिक्चर एडिटिंग का शौक है, अगर आप लोग पिक्चर एडिट करना आपको पसंद है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि उसे मैन्युअली किया करें। आप लोगों को पता लगेगा कि कंट्रास्ट क्या होता है, एक्सपोजर क्या होता है, हाईलाइट्स क्या होती हैं, आप लोगों को इन सारी चीज़ों का पता लगेगा। तो यहाँ पे गाइस हम अपनी मर्जी से एक्सपोजर भी सेलेक्ट आउट कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा, जिनको पता है एक्सपोजर क्या है उनको तो पता होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोग कंट्रास्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं अपनी पिक्चर में, हाईलाइट्स वगैरह, उसके बाद शेडो वगैरह आपने कम ज़्यादा करने हैं, वाइट है, उसके बाद ब्लैक है। जो लोग गाइस एडिटिंग करते होंगे उनको पता होगा इसके बारे में। उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कलर का ऑप्शन। उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा मैन्युअली चीज़ें देखने को मिलेंगी, टिंट आपको पता लग जाएगा, उसके बाद वाइब्रेंस देखने को मिलेगी, सैचुरेशन वगैरह आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं वो है इफेक्ट्स का। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से मैन्युअली इफेक्ट को सेलेक्ट आउट कर सकते हैं। इस तरह गाइस आप लोग एडिटिंग करके अपनी पिक्चर को एक बहुत ही प्यारी लुक दे सकते हैं। मैंने इस पिक्चर को पहले ही एडिट किया हुआ है यहाँ से ही, इसलिए मैं इसे कोई और ज़्यादा एडिट नहीं कर रहा, सिर्फ आपको बताने के लिए है। उसके बाद गाइस आपको और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मैन्युअली मूड देखने को मिल जाएंगे। लास्ट पे जो हमारे पास मूड है वो भी गाइस फिल्टर्स का ही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्राइट का फिल्टर है, उसके बाद हाई कंट्रास्ट का है, विविड है, और आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे ऑप्शंस। लास्ट पे अब आप लोगों को मैं बताता हूँ ऑटो फीचर का। यहाँ पे बस आपने क्लिक करना है और वो ऑटोमेटिकली आपकी पिक्चर को एडिट कर देगा। अब मैंने ऑटो किया है, ऑटो के बाद गाइस ये है मेरी पिक्चर का रिजल्ट। और ऑटो के पहले क्या था वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये ऑटो के पहले थी और ये गाइस ऑटो के बाद।
आप लोगों को फर्क पता लग रहा होगा काफी ज्यादा। तो ये सारे इसके कुछ फीचर्स हैं मैन्युअली, जिसको आप यूज करके अपनी पिक्चर को एक काफी अट्रैक्टिंग लुक प्रोवाइड कर सकते हैं। जितनी ज्यादा आप लोग गाइस एडिटिंग करेंगे उतना आप लोगों को पता लगेगा मैन्युअली मूड के बारे में। सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो आई होप गाइस आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस साइड पे मेरे चैनल का फेस आ रहा है, उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को गाइस लाजमी दबाइएगा ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।